इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डाइवोर्स केस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोर्ट को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जहां पर कोर्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकेगी पति पत्नी की लड़ाई के बीच में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है या फिर सबसे ज्यादा कोई सफर करता है तो वो उनके बच्चे होते हैं और डाइवोर्स का सबसे ज्यादा अपोजिट असर जो पड़ता है नाबालिग बच्चों पर पड़ता है जिसे माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत होती है हमारे देश का कानून इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है और हमारे कानून में इस तरह के बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोविजन भी किए गए हैं जो कि माँ बाप के बीच में केस चलने से पहले बाद में या फिर पेंडेंसी के दौरान इन प्रोविजन को उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट केस में डिग्री देने के बाद भी इस सेक्शन के अंतर्गत नाबालिग बच्चों की मेंटेनेंस एजुकेशन और उनकी देखभाल के लिए जरूरी कदम उठा सकती है तो हिंदू मैरिज एक्ट कोर्ट को ये अधिकार देती है कि केस की पेंडेंसी के दौरान और डिग्री देने के बाद भी अगर कोर्ट जरूरी समझे तो नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए समय समय पर जरूरी कदम उठाए और इसका प्रोविजन करता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन ट्वेंटी सिक्स जो ये कहता है कि टाइम टू टाइम अगर कोर्ट जरूरी समझे तो नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी मेंटेनेंस एजुकेशन या फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके लिए आदेश पारित कर सकती है और कोई भी डिग्री देते समय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सकता है और इतना ही नहीं कोर्ट को यह भी अधिकार होगा कि वो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा दिए गए ऑर्डर में अमेंडमेंट भी कर सकती है या फिर उन्हें निलंबित भी कर सकती है तो इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट पति पत्नी के बीच डायवोर्स होने के दौरान या उसके पश्चात बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है हो फ्रेंड की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा